की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन। तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज एवं RW के माध्यम से भजनपुरा थाना इलाके के A1 पैलेस में दिल्ली पुलिस जनता संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से गोकलपुरी डिवीजन के ACP महेंद्र सिंह मीणा के साथ भजनपुरा थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार नीमा और अति थाना अध्यक्ष तेजराम मीणा मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए समस्त RWO के पदाधिकारियों ने ACP और नवनियुक्त थाना अध्यक्ष के साथ अति थाना अध्यक्ष का शानदार स्वागत किया। कार्यक्रम में आए RWO एवं जनता ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें और सुझाव दोनों से अवगत कराया, जिसमें भजनपुरा RWO महासचिव CA विजय कुमार शर्मा ने बताया कि इलाके में सड़कों पर रेड़ी पटरी से काफी परेशानी रहती है। जिला अध्यक्ष मनी बंसल ने कहा कि दिल्ली पुलिस काफी मेहनत करती है, जनता और पुलिस को मिलकर काम करना चाहिए ताकि नए थाना अध्यक्ष को परेशानियों से जल्द रूबरू करा उनका समाधान किया जा सके। तेज निगाहें चैनल के माध्यम से किया गया यह कार्य वाकई पुलिस और जनता के बीच मधुर संबंध बढ़ाएगा, जनता की समस्याओं को दूर करने में भागीदार साबित होगा। पूर्व पार्षद रेखा रानी ने कहा कि नए थाना अध्यक्ष से उम्मीद है कि जिस तरह गलियों में आवारा लड़कों का जमावड़ा रहता है, जिसके चलते लड़कियां एवं महिलाओं को गली से गुजरना दुर्भर हो जाता है, उस पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई करके इस समस्या से जल्द निजात दिलाएंगे। केवल एक सुरक्षा घटना दुर्घटना हो जाएगी उसी समय पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं। हमारे सामाजिक जीवन का जो सड़क चलने के लिए बनी है उसके ऊपर अतिक्रमण हो जाता है, इसकी जिम्मेवारी हम सबकी भी है। और हमारी जिम्मेवारी हम अपने आप ठीक से निर्वाह कर दें तो ये समस्या ना आए। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस को इस बारे में कुछ करना चाहिए तो कुछ कहने का साहस भी हमें होना चाहिए। तो आज आपको लेकिन इस कड़ी को हम सब मिलकर और आगे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि दो महीने में एक मीटिंग हो और उसमें हम विचार करें कि हम अपने समाज का हम अपने उत्थान कैसे कर सकते हैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नीचे बैठा दीजिए, क्योंकि जब समाज बनता है, इस समाज में हम रह रहे हैं तो समाज में कुछ बुराइयां भी आती है, तो उसको दूर करने के लिए कोई हमें साधन भी मिलता है। पुलिस वो साधन है जिसके वजह से आज हम अपने आप को सिक्योर करते हैं, जैसा कि अभी CA विजय जी ने कहा। ये पुलिस पे हम कितना भरोसा करते हैं कि जरा सा अड़ोसी पड़ोसी में विवाद हुआ, झट 100 नंबर मिला दिया, चलती गाड़ी में पर्स मिला तो 100 नंबर मिला दिया, हमारे डॉक्यूमेंट खो गए तो हमने पुलिस को बुला दिया, हमारा मकान तो हमें कोई आया कुछ हो गया तो हमने पुलिस को बुलाया, मतलब हर बात के लिए लड़की ने कुछ करा तो पुलिस, मतलब हर बात के लिए जो है वो पुलिस हमारा एक सहयोग दे रही है। यदि ट्रैफिक में दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक अफसर ना आए तो आप सोच सकते हैं शायद 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आपके कहाँ गए आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि एक व्यक्ति जो वर्दी पहने हुए है उसकी बात हम सब मानते हैं, हम सब समझते हैं, चाहे कितने बड़े से बड़े पद पे क्यों ना हो, हर कोई उसकी बात को सुनता है। मतलब हमारे समाज ने बताया है कि यदि किसी ने वर्दी पहनी है दिल्ली पुलिस की, चाहे ट्रैफिक पुलिस की, चाहे मजिस्ट्रेट की, तो हमें उसकी बात को मानना है, ऑर्गेनाइज करना है। एशियाल की सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है और ये रोजमर्रा की समस्या है हम लोगों की, ट्रैफिक की सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है आज हमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर या फिर ट्रैफिक ACP को भी बुलाना चाहिए था। जितनी जनप्रतिनिधि होने के नाते पिछले 5 साल मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा सहयोग, समय समय पर हम लोग पुलिस पब्लिक मीटिंग करते थे और किसी चाहे रात के 10 बजे हो अगर कोई समस्या मेरे सामने होती थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार ऐसा होता था कि रात के समय भी कुछ कई बार हुआ है कि बहुत सारी महिलाएं आई कि हमारी गली में इस तरह की समस्या है, वहाँ नशाखोरी चल रही है या कुछ छेड़खानी की घटनाएं हो रही है, तो मुझे इतना अच्छा सहयोग मिला कि ACP को फोन करूं मैं या ACP को तुरंत एक्शन उस पर होता था पुलिस के सहयोग से, तो वो होना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने सुझाव भी दिए, जैसे डॉक्टर साहब ने सुझाव दिए कि हमें कैमरे वाले आपस में संगठन बनाकर काम करना चाहिए, तो इस तरह की समस्याओं को
आपके सहयोग से और आगे भी इस तरह की मीटिंग सब रखते रहे। मैं मेरा भी यही सुझाव है, इन समस्याओं पे आप लोग गौर करेंगे। तेज निगाहें प्रबंधक दिनेश सोलंकी ने कहा कि प्रशांत नीमा अपने नाम से ही नहीं अपने काम से जाने जाते हैं। इनका ताजा उदाहरण बेलकम थाने में इनका शानदार करीब 2.5 साल का कार्यकाल रहा। जिस तरह सहायक पुलिस ने बताया कि 15 दिन जिस तरह से उन्होंने थाने में काम किया है, उससे साफ है कि इलाके में शांति और सुरक्षा दोनों में प्रशांत नीमा खड़े उतरेंगे। जनता की शिकायत सुनने के बाद सहायक उपायुक्त महेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि आप सबकी शिकायतें एक जैसी हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। जनता के सहयोग से पुलिस इलाके में बहुत जल्द शांति और सुरक्षा कायम कर सकती है। वैसे भी उन्हें नए थाना अध्यक्ष प्रशांत नीमा के लिए कहा कि 15 दिन के काम ने साबित कर दिया कि आपके थाने का थाना अध्यक्ष काम के मामले में बहुत अच्छा है। उसमें ज्यादातर कॉमन समस्याएं हैं। अब वैसे तो कह रहे लंबा विषय है ये, अपन बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे इस मंच पे तो करेंगे, साथ ही जो इंडिविजुअल आपके RW वहां भी मैं कोशिश करूंगा कि SHO साहब हम जाके वहां पे अलग से मीटिंग ले लेंगे, स्थानीय समस्याएं भी दूर करेंगे। इसमें ज्यादातर आपके ट्रैफिक से रिलेटेड हैं जिसमें यातायात पुलिस का मेन रोल होता है, वो भी हमारे काउंटर पार्ट है, हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगली बार में हम कोशिश करेंगे कि उनका कोई प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद रहेगा और हम चीजें हैं वो कन्वे करा देंगे और हम भी इसमें प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि समस्याएं समाज में क्यों उत्पन्न होती है, हमारा जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, मेरी यहाँ पहली बार पोस्टिंग हुई है, अदरवाइज मैं दिल्ली, नई दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, यहाँ मैंने सेवाएं दी अपनी। यहाँ सबसे डेंस इन्होंने बताया था कि काफी गहर मतलब ज्यादा पॉपुलेशन और कम जगह वो ये क्षेत्र है और ये समस्याएं सबकी समान है क्योंकि छोटी है, जनसंख्या ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा है, ये समस्याओं का कई कारण है जिसका निवारण बराबर जारी रहे, लेकिन इसके लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। बच्चों के लिए जैसा आपने बताया, अपने महिलाओं ने बताया कि बच्चे मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्कूल के पास समस्याएं हैं, इसके बारे में कहना चाहूंगा कि बच्चे कौन है, वो हमारे परिवार से है चाहे बेशक हमारी कॉलोनी के ना हो, किसी और कॉलोनी के हैं, तो उनका जो भी समाधान है अपन मिलजुल के करेंगे। जैसा इन्होंने बताया सामूहिक अभियान चलाएंगे, उनके घर वालों को समझाएंगे। अभी आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि आपकी समस्याएं समाज की जो समस्याएं हैं पूरी तरह से दूर नहीं हो सकती, लेकिन हम उनको कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आपका सहयोग बड़ा बहुत जरूरी है। मैं आपको ये भी एक चीज याद दिलाता हूँ, बड़ी अच्छी खबर है कि जो आपके वर्तमान अभी SHO साहब आए हैं, प्रशांत साहब में मतलब कुछ कहना है, एक प्रकार से तजुर्बेकार और सुलझे हुए आदमी, समाज से सीधे जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक स्पेशल अभियान चला रखा है, शायद आप तक खबर भी पहुंची होगी कि डेली शाम को 4-5 बजे निकलते हैं अपने साथ में पूरी फोर्स को लेकर, और इस तरह के जो आवारागर्द मोटरसाइकिल पे जो बच्चे हैं यमुना विहार को चाहे बाहर के हो उनको ला ला के काफी गाड़ियां यहाँ लाते हैं, और कम से कम 40 से 50 के बीच में जो बच्चे हैं उनको ला के थाने में बिठाते हैं, अभिभावकों को बुलाते हैं और उनको समझाते हैं आपका ये काम अच्छा नहीं, पढ़ाई में ध्यान रखना। इस प्रकार से जनता व पुलिस संवाद इलाके में पुलिस व लोगों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने का कार्य करते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। हम तेज निगाह न्यूज चैनल का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये पहल की जिससे इलाके की जनता अपनी समस्याएं सीधे ही पुलिस के सामने रख पाई। संदीप कुमार, तेज निगाह, दिल्ली।